हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं हमारी जानकारी आप तक बेबाकी से पहुंच रही है। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं युवाओं के शहर बेंगलोर को। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बेंगलोर के बेस्ट शॉपिंग मार्केट्स, एक्सोटिक पब्स, हैपनिंग प्लेसेस, बेस्ट रेस्टोरेंट्स, टूरिस्ट अट्रैक्शंस, बेंगलोर नाइट लाइफ और अनकवर करेंगे बेंगलोर की बदनाम गलियां, जिसे रेड लाइट एरिया दुनिया कहती है। शुरुआत करते हैं बेंगलोर की फेमस मार्केट से, एमजी रोड। शॉपिंग के लिए एमजी रोड बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ आपको कम दाम में एक से एक कपड़े मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे यहाँ 7 बजे से पहले जाएं, क्योंकि 7 बजे तक ही मार्केट खचा खच भर जाता है। कमर्शियल स्ट्रीट। बेंगलोर की कमर्शियल स्ट्रीट एक ऐसी जगह है जहाँ जाने पर आपको समझ ही नहीं आएगा कि शॉपिंग कहाँ से करें और कहाँ खत्म करें। संकरी सी गली में बसी इस मार्केट में आप खुद की शॉपिंग के साथ साथ घर के लिए काफी कुछ उठा सकते हैं। मालेश्वरम मार्केट। मालेश्वरम मार्केट में तरह तरह के फ्रेश फूल बेचे जाते हैं। लोग शादी ब्याह के लिए फूलों का ऑर्डर इसी मार्केट से देते हैं और कब्र में दफन किए जाने वाले मेजबानों के लिए भी। ये बेंगलोर की खासियत है कि यहाँ कोई रेड लाइट जोन नहीं है, लेकिन पेट और जिस्म की भूख कभी नहीं मिटती। एक वैश्य अपना और अपनों का पेट पालने के लिए हजारों हवस रखने वालों की भूख मिटाती है। इस शहर में ऑनलाइन दलालों के जरिए सेक्स की चाह रखने वाले प्रोस्टिट्यूट्स प्राप्त कर ही लेते हैं। कहीं कहीं तो कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां प्रोस्टिट्यूट्स खड़ी रहती हैं, लेकिन उन्हें वही पहचान सकता है जो सेक्स का अरमान लिए वहां पहुंचता है। हम इन इलाकों का नाम आपको नहीं बताएंगे, वरना ना चाहते हुए भी आप वहां पहुंच जाएंगे। बेंगलोर में 1000 से ज्यादा मंदिर, 400 से ज्यादा चर्च, 3 गुरुद्वारे, 2 बुद्ध विहार और 1 फायर टेम्पल मौजूद है। बेंगलोर विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के साथ एक विविध शहर के रूप में वर्गीकृत है। मेरे दिल ने अब जब बेदुआ मांगी है, तुझे मांगा है तेरी वफा मांगी है। जिस मोहब्बत को देख के दुनिया को रशकाए, तेरे प्यार करने की वो अदा मांगी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेंगलोर नाइट लाइफ की। बेंगलोर को पब कैपिटल के नाम से लोग पहचानने लगे हैं, क्योंकि इस शहर में 800 से ज्यादा पब्स विराजित हैं। यहाँ युवाओं को रात में घूमने का बड़ा शौक है, ताकि वो किसी से इश्क फरमा सकें, और इसीलिए इस शहर में इतनी तादाद में पब्स फैले हुए हैं, और इसलिए हमने युवाओं का शहर इसे नाम दिया। ये बड़े घर की लड़के लड़कियों के माँ बाप खुद उन्हें इन पब्स में छोड़ने आते हैं। नाइट लाइफ की बात करें तो आप बेंगलोर के रिवर साइड मंचना बेले से कैंपेनिंग कर सकते हैं। ये जगह बड़ी शानदार है। यहाँ कैंपेनिंग करना पैसा वसूल है। ट्यूब राफ्टिंग, कायाकिंग के मजे आप यहाँ ले सकते हैं, और रिवर अखरावती के दिलकश नज़ारे भी तो आप ले सकते हैं। बेंगलुरु पैलेस। अपने चहल पहल भरे माहौल के बीच ये पैलेस बर्कशायर में बने रॉयल ब्रिटिश विंडसर पैलेस का प्रतिरूप लगता है। इस पैलेस की नींव 1862 में रखी गई थी और इसके निर्माण में करीब 1 शताब्दी लग गई थी। ये वास्तव में समय बिताने लायक एक बढ़िया जगह है। टीपू सुल्तान फोर्ट एंड पैलेस। ये इमारत मूल रूप से सन 1537 में बनाई गई थी। बाद में इसका विस्तार टीपू सुल्तान ने किया था, जिसे मैसूर का शेर कहा जाता है। ये किला आज भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई का प्रतीक माना जाता है। इसके मुहाने पर सागौन की लकड़ी से की गई नक्काशी और इस्लामी वास्तुकला काफी शानदार है। किले के भीतर छुपे हुए कक्ष को खोजने के लिए गाइड की मदद लेनी पड़ती है। इसके अलावा इस म्यूजियम में 1000 ऐतिहासिक तस्वीरें भी हैं। वंडरला वाटर पार्क। वंडरला बेंगलुरु वासियों के लिए एक बेस्ट वीकेंड डेस्टिनेशन है। वंडरला को रोमांचकारियों का हब कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कई रोमांचकारी राइड्स हैं। तो वहीं दूसरी ओर कई सारे वाटर स्पोर्ट्स भी हैं, जो आपकी थकान मिटाने के लिए काफी हैं। वंडरला में कुल 60 खेल ऐसे हैं जिनको खेलकर आप अपने टेंशन और थकान को भगा सकते हैं, और छुपकर रोमांस करने के लिए भी मशहूर है। इस पार्क में जवान, बूढ़े, बच्चे सभी के लिए रोमांचकारी राइड्स मौजूद है, जैसे आलसी नदी, रेन डिस्को आदि। इसके साथ ही बेंगलोर में 25 लेक्स भी हैं। कहीं कहीं तो बोट भी चलाने को मिलती है। नदी हिल्स। नदी हिल्स उन स्थानों में से एक है जो बेंगलोर के पास आता है, जो धीरे धीरे लगातार वर्षों से खोजे जा रहा है। समुद्र तल से लगभग 4,851 फीट की ऊंचाई पर नदी हिल एक प्रसिद्ध सप्ताहांत गेटवे है, जहां पर्यटक उगते सूरज की एक झलक पाने के लिए जाते हैं। यहाँ कई प्राचीन मंदिर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नंदेश्वरा मंदिर है, जो नंदा गांव में स्थित है। ये एक प्राचीन मंदिर है जिसमें बेहतरीन वास्तुकला और डिजाइनिंग है। कनकपुरा। कनकपुरा बेंगलोर के पास जाने के लिए एक और लोकप्रिय जगह है, जो ग्रेनाइट और रेशम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रामनगर जिले में स्थित कनकपुरा में हरे भरे हरियाली,
ऐतिहासिक आकर्षण और ट्रैक्टर्स के लिए आदर्श इलाके हैं। ये समुद्र तल से 638 मीटर की ऊंचाई पर है, जो पूरे वर्ष एक सुखद जलवायु का आनंद ले रहा है और दे भी रहा है। चुनी फॉल्स। चुनी फॉल्स 50 फीट ऊंचा झरना है। चुनी फॉल्स कर्नाटक के मेकेदातु और संगम के लिए स्थित है। मेकेदातु एक चट्टानी घाटी है, जबकि संगम तीन नदियों का मिलन बिंदु है। ये बेंगलोर के पास सबसे खूबसूरत झरनों में से एक माना जाता है। ये बेंगलोर से 83 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और मानसून के बाद और सर्दियों के महीनों के दौरान ये बहुत सुंदर दिखता है। ये स्थान पिकनिक के लिए बड़ा ही माहौल बना देता है। विश्वेश्वर्य इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल संग्रहालय। सन 1962 में जवाहरलाल नेहरू ने इस संग्रहालय का उद्घाटन किया। पूरे साल में लाखों दर्शक यहाँ आते हैं। ये इंटरैक्टिव संग्रहालय विज्ञान में दिलचस्पी रखने वालों के लिए आदर्श जगह है। यहाँ आप अंतरिक्ष गैलरी में अंतरिक्ष के इतिहास की खोज कर सकते हैं। डायनासोर कॉर्नर पर एक सिप्नोसोरस, जो डायनासोर की एक प्रजाति का प्रतिरूप है। बेंगलोर में एक ऐसी जगह है जहां जाने से लोग कतराते हैं, हॉस्कॉट मार्ग। ये एक सुनसान सी सड़क है जिसके दोनों तरफ कब्रिस्तान मौजूद है। जानकारों के अनुसार रात के वक्त यहाँ एक बूढ़ी महिला वाहन चालकों से लिफ्ट मांगती नजर आती है। अपने इन्हीं डरावने अनुभवों के कारण इस मार्ग को बेंगलोर के सबसे प्रेतवाधित स्थलों की सूची में शामिल किया गया। फूडीज के लिए बेंगलोर बड़ा ही बेहतरीन है। यहाँ मटर से लेकर मटन तक का स्वाद बड़ा ही स्वादिष्ट है। कहने का मतलब है, वेज हो या नॉन वेज, दोनों ही टेस्ट में A1 है। अगर आप बेंगलोर में हैं और स्ट्रीट फूड खाने के शौकीन हैं, तो इस स्ट्रीट पर जाना ना भूलिएगा। वीवीपुरम। गरम और मसालेदार मसाला डोसा से लेकर मीठे और शुद्ध घी के दाल होलीगे, बेंगलोर के इस फूड स्ट्रीट पर सब सफाई से बनाया जाता है। भाजी स्टॉल, स्वीट कॉर्न स्टॉल, मंचूरियन स्टॉल सहित कई स्टॉल है। अगर आप यहाँ पर है तो आपको पाव भाजी, चाट और पोटैटो ट्विस्टर जरूर टेस्ट करना चाहिए। ब्राह्मण कॉफी बार। बसवनगुड़ी के पास रंगा राव रोड पर ब्राह्मण कॉफी बार में पारंपरिक दक्षिण भारतीय भोजन मिलता है। यहाँ पर आपको हॉट राइस इडली मिलती है, जो यकीनन काफी नरम होती है। अगर आप यहाँ पर है तो आपको इडली, वड़ा पाव और बादाम दूध को जरूर टेस्ट करना चाहिए। लालबाग। लालबाग को बनवाने का काम हैदर अली ने 1760 में किया शुरू, जिसे उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने पूरा किया। ये बेंगलोर शहर के बिल्कुल बीचों बीच है। लालबाग का कुल क्षेत्रफल 240 एकड़ है। आज इस बाग में 1854 पौधों की किस्में हैं। पौधों के बारे में यहाँ पर देश विदेश के स्तर पर अध्ययन किए जाते हैं। लालबाग में पर्यटकों को देखने के लिए दुनिया के सबसे ज्यादा दुर्लभ पौधे मिल जाएंगे। कुल मिला के शहर बहुत ही रॉयल है और घूमने फिरने के लिहाज से तो बेस्ट सिलेक्शन है। 1950 में बेंगलोर की पॉपुलेशन 7.5 लाख थी और आज 1,21,00,000 से भी ज्यादा है। 79% आबादी यहाँ हिंदुओं की है, 13% मुसलमानों की है, 6% क्रिश्चियन और 1% जैन समाज के लोग हैं। यहाँ 43,91,723 मर्दों की पॉपुलेशन है और 40,51,952 महिलाएं रहती हैं। इनमें 10% लोग ऐसे हैं जो बेंगलोर के स्लम में रहने को मजबूर हैं। इस शहर के बारे में बताने के लिए इतना ही कुछ है। ये वीडियो कम पड़ जाएगा, इसलिए बेंगलोर का Part 2 हम आपके लिए जल्द लेकर आएंगे। श्री साई राम चाट व जूस। बेंगलोर के कड्डू मलेश्वरम मंदिर के पास श्री साई राम चाट व जूस कॉर्नर में दही पूरी से लेकर मसाला पूरी काफी कुछ खाने को है। यहाँ पर आपको कई तरह की चाट आदि खाने को मिलेगी। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको होममेड चॉकलेट भी मिलेगी। अगर आप बेंगलोर से हैं तो कमेंट करके हमें बताइए जो हम इस वीडियो में नहीं बता पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ। Runs away at midnight.